आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी पे। मैं हूँ आपके साथ साक्षी सरकार। भारतीय मूल के ऋषि सुनक जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत की चर्चाएं पूरे दुनिया भर में हो रही है। और ऋषि सुनक केवल अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो विदेशों में इतने बड़े पद पर काबिज है। ऐसे और भी देश है जिनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मूल के रहने वाले हैं। आइए हमारी खास रिपोर्ट पे देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, लेकिन केवल वो ही नहीं है। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जहां भारतीय मूल के नेता शीर्ष पदों पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की। कमला हैरिस वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी की कोई महिला नेता उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस का भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु से रिश्ता है। वो 2011 से लेकर 17 तक कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर चुकी हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की। प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले कैबिनेट में कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। उनका जन्म ला केवर्ने में एक भारतीय परिवार में हुआ था। उनका रिश्ता बिहार राज्य से है। मॉरिशस के मौजूदा राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन भी भारतीय मूल के ही राजनेता हैं। अब बात पुर्तगाल की। पुर्तगाल के पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इसी साल चुनाव में जीतने के बाद उनका ये तीसरा कार्यकाल है। कोस्टा पुर्तगाल के साथ भारत के गोवा से जुड़े हुए। उनके दादा लुई एफेंसो मारिया डी कोस्टा गोवा के निवासी थे। हालांकि एंटोनियो कोस्टा का जन्म मोजाम्बिक में हुआ था। उनके कई रिश्तेदार गोवा के मरगांव के नजदीक रहते हैं। अब बात सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब की। सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पूर्वजों का इतिहास भी भारत से जुड़ा है। उनके पिता और माँ भारतीय मूल की थी। याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले वो सिंगापुर सदन की अध्यक्ष भी रह चुकी है। सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी, जो कि भारतीय मूल के हैं। लैटिन अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं। वो वहाँ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये पार्टी भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और मूल रूप से इसे यूनाइटेड हिंदुस्तानी पार्टी कहा जाता है। अब बात गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली की। कैरिबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली का रिश्ता भी भारत से रहा है। उनका जन्म साल 1980 में वहां रहने वाले एक भारतीय परिवार में हुआ था। वर्ष 2009 से 2015 तक वो मंत्री रहे। सेशेल के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन। हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाले देश सेशेल के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन भी मूल रूप से भारतीय हैं। उनका रिश्ता बिहार के गोपालगंज से है। उनके पिता लोहार थे जबकि माँ शिक्षिका थी। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का बेटा बताया था। अब सवाल ये है कि भारत को इससे क्या लाभ होने वाला है। इसका सीधा संबंध ये है कि ये सभी लोग भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में विदेशों से भारत देश के रिश्ते जो हैं वो मजबूत हो सकते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए जय भारत टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।